धांधली बहुत पुरानी हो चुकी है साहब। अरे हम गरीब लोग अपने छोटे छोटे बाल बच्चा के गांव में छोड़कर शहर में यह रुपया कमाने के लिए आए हैं, कुछ कमाने के लिए नहीं। हम बिना पैसा के भाजी नहीं देंगे साहब। मंगू दादा को जानता नहीं है क्या, नया आया है? हाँ हाँ, आप जौन भी हो तौन समझ लो। हाँ उस्ताद। कितने की भिंडी है रे? चार रुपया के हिसाब से 10 किलो के 40 रुपया भया सरकार। 40 रुपया साहब देता हूँ। हाँ आ जा। अच्छा गिन। अरे बाप रे, हम मर गए। एक। अरे दो। ऐसा चाहिए। तीन। अरे कोई अरे बचाओ 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 अरे कोई बचाओ बचाओ बराबर बराबर पांच छः राम 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 सात। तू कौन है बे? मालूम था, नहीं पहचानेगा। किसी थाने में मेरी फोटो देखी, वरना पहचान जाता और हाथ पकड़ने की गलती नहीं करता। पहचान तो हम दूर से गए थे, लेकिन उस नाम की परंपरा बनाए रखने के लिए कलयुग के इस राम को यहाँ आना पड़ा, तेरा उद्धार करने के लिए। तू मेरा उद्धार करेगा? शांति शांति शांति। तेरा उद्धार तो हमें करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये परंपरा अंगुली मार नाम के डाकू से चली आ रही है। वो लोगों की उंगलियां काटकर अपने गले का हार बनाया करता था। एक दिन वो मुसीबत में फंस गया और लगा चिल्लाने, मरा मरा मरा, और मरा मरा में राम राम ही सुनाई पड़ता है। इसलिए भगवान राम को उसका उद्धार करने आना पड़ा। कलयुग में हमें आना पड़ता है, और आज हम तेरा उद्धार करके ही जाएंगे। राम बोलना तो तुझे आएगा नहीं। चल बोल, मरा मरा। बोल मरा। मैंने तुझे हंसने को नहीं बोला, मैंने कहा बोल मरा मरा। मरा नहीं, मारा। अब तो तुझे मरा मरा बोलना ही पड़ेगा। बचा। बच्चा बोल, मरा। बोलता हूँ मरा राम। हाँ राम, पापी के मुंह से भगवान का नाम। राम भैया, अब एक काम माफ कर दे। क्या कमीने, तेरा भी उद्धार हो। धन्य हो, धन्य हो राम भैया, धन्य हो। अरे राक्षस से आपने हम लोगों को बचा लिया राम भैया। वो धन्य तो ठीक है, तुम लोगों को बहुत नुकसान हुआ है, आपस में बांट लेना।